वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा चैप्टर टू का आज हमें एक्स्ट्रा वर्क करना है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम एक्स्ट्रा वर्क दैट इज़ ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर टू इन साइड अवर अर्थ। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। In this questions, we have to put a suitable word in the sentence. So first is dash are also called primary rocks. Students, इसमें क्या है कि किन चट्टानों को, किन rocks को हम primary rocks बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो अच्छा याद रहे, सबसे पहले हमारा जब volcanic eruption से हमारा magma ठंडा हो बाहर निकलता है, ठंडा होने के लिए, तो जब मैग्मा बाहर निकलने बाद जब वो ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, तो उससे जो सबसे पहली रॉक जो बनती है, सबसे पहली जो चट्टान बनती है, वही हमारी इग्नियस रॉक्स कहलाती है। जैसे कि रॉक साइकिल मैंने बताया था, तो इग्नियस रॉक्स को स्टूडेंट्स प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, गोल्ड एंड पेट्रोलियम कोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सोना, पेट्रोलियम और कोल्ड किस चीज़ का एग्जांपल्स हैं? ये बच्चे मिनरल्स का एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मिनरल्स ऐसी चीज़ होती है जो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और ये हमारी बॉडी एज वेल एज हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल जो एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, वो हमारे याद हो सेडिमेंट्री रॉक से किया जाता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल, ये मिनरल्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे, गोल्ड हुआ, सोना, चांदी, पेट्रोलियम हुआ, ठीक, कोल, कोयला हुआ। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि सबसे पतली जो लेयर है, जो सबसे पतली परत है, वो कौन सी हमारे, वो है हमारी अर्थ क्रस्ट। तो सेकेंड आंसर भी हमारा यही अर्थ क्रस्ट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ डैश रॉक्स। डेक्कन प्लेटू जो है, यानी कि दक्कन पठार जो है हमारा, पठार वाला एरिया, प्लेटू वाला एरिया, वो किस चट्टानों से, किन रॉक से मिलकर बना है? वो बच्चे बेसाल्ट रॉक सब मिला है। और बेसाल्ट रॉक आप सब समझ सकते हैं कि ये हमारे, इससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है, इन रॉक से हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है। तो बस यही चट्टानें, इन्हीं चट्टानों से हमारा डेक्कन प्लेटू भी बना हुआ है। और यहाँ पर कॉन्टिनेंट से, यानी कि थोड़े से उभरे हुए रहते हैं प्लेटिव में, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं। फिफ्थ पार्ट बच्चे दिया हुआ है, द ताजमहल इज मेड अप ऑफ डैश। ताजमहल हम सबको पता है संगमरमर से बना हुआ है, वाइट पत्थर से, यानी कि वाइट मार्बल से। और हमें पता होना चाहिए वाइट मार्बल किस तरह की रॉक है हमारी, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि वो चेंज्ड फॉर्म में है, ठीक बच्चे। यानी कि कोई भी रॉक जो चेंज होके जो आती है, उसकी नई फॉर्म जो होती है, वही हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो ये वाइट मार्बल जो है हमारा, जो है ताजमहल, वाइट मार्बल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट ट्रू फॉल्स इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स इन इग्नियस रॉक्स। क्या हमारे इग्नियस रॉक्स दो तरह की होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव? यस, बिल्कुल। ये मैंने इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव याद हो जब मैंने बताया था आपको, ये वही रॉक है, बिल्कुल सही, दो तरह की। क्योंकि जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो यानी कि जो मैग्मा बाहर निकल जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है, तो ये बाहर वाला एक रॉक ही हमारा एक्सक्लूसिव रॉक्स बोला जाता है। और जो मैग्मा अंदर रहता है और वो ठंडा हो जाता है, तो बस अंदर वाले, उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों, रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या वो चट्टान, क्या वो रॉक वही है जिसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं? क्या मेटामॉर्फिक रॉक में हमारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, अवशेष जिनसे हमारे ईंधन बनते हैं, फ्यूल्स बनते हैं, कोयल, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन बनते हैं? ये बिल्कुल गलत दे रखा है प्यारे बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, वहीं से हमारे कोल, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये
बिल्कुल गलत चीज़ दे रखी है कि मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स याद रखें बच्चे, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, जो सेडिमेंट्स की फॉर्म में दब जाते हैं। थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। बिल्कुल सही दे रखा है ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक जो है चेंज्ड फॉर्म में बनी हुई रहती है, क्ले से हमारी स्लेट बनती है। बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। जब मैं मेटामॉर्फिक रॉक की जब मैं बता रहा था कि ये इनकी चेंज्ड फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, मैंने बताया था सरपेंटाइन रॉक, मैंने बताया था मार्बल, स्लेट, तो ये सारे हमारे मेटामॉर्फिक रॉक हैं। ये बिल्कुल सही दे रखी हैं। क्ले चेंजेस इनटू स्टेन स्लेट, क्ले जो है वो स्लेट में बदल जाता है, स्लेट जो है सिस्ट में बदल जाता है याद रहे, और लाइमस्टोन जो है मार्बल में बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है, इसका आंसर ट्रू है। प्यारे बच्चों फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। बिल्कुल सही है, ये अंडरगोइंग चेंज किस चीज़ की बात कर रहा है, ये हमारे अर्थ की बात कर रहा है, क्योंकि हम चैप्टर ही इनसाइड द अर्थ पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो हमें पता नहीं चलती, बट जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर की फॉर्म में वो ऊपर आती हैं, जब हमें थड़थड़ाहट पता लगती है कि हमारी ज़मीन में कुछ ना कुछ हलचल हुई है, तो बिल्कुल सही चीज़ है। हमारे अर्थ में जो है अंदर लावा भी सराउंड करता रहता है, मूव करता रहता है। लावा का जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और वो कन्वेक्शन करंट बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब वो प्रेशर की फॉर्म में बाहर आएगा तो बस यही हमारी एक्टिविटी मानी जाती है। ये हमारी अंदर भी होती हैं और अर्थ के बाहर भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है, ट्रू दे रखा है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी हैं, रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, ये बाहर की हमने पढ़ी थी कि भाई हमारे किसी भी चट्टान पे एप्लीकेशन अप्लाई होता है टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो बाहर वाली चेंजेस हमें एक्टिविटी देखने को मिली। अंदर वाला जब हम मैग्मा प्रेशर से बाहर निकल गया तो अंदर वाली एक्टिविटी है। तो बस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है, इसका आंसर ट्रू है, करेक्ट है बच्चे। हर सेंटेंस हर तरह के क्वेश्चन की आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिलेगी प्यारे बच्चों, तो इसको वीडियो को पूरी देखें। नेक्स्ट है हमारा, ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये गलत चीज़ दे रखी है। ग्राइंडिंग स्टोन और ये जो है हमारा ग्राइंडिंग से याद है, अगर हम मार्बल की ग्राइंडिंग कराते हो किस तरह की रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, चेंज्ड फॉर्म है किसकी, लाइमस्टोन की चेंज्ड फॉर्म है। तो बस ये चीज़ गलत दे रखी है, पाउडर्स जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनते हैं। नेक्स्ट है, द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। बिल्कुल हमारा अर्थ जो है, जो जिस पे हम रहते हैं, हमारी मातृभूमि, हमारी मदरलैंड, डायनेमिक प्लैनेट का मतलब है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल चेंजेस आते रहते हैं। आज से पता करें, आज से 225 मिलियन ईयर अगो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई थी, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स जो आप साथ पढ़ते हो, 7 कॉन्टिनेंट्स, वो पूरा मिलाकर जुड़े हुए थे, और वो जुड़ी हुई पोजीशन को नाम दिया था पेनिंजिया। ऊपर वाला लैंड जो था वो हमारा अंकारा लैंड था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो ये सारे चेंजेस हमारे हुए हैं जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया है, और हमारी अर्थ की एज बहुत है, बिलियंस में है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा डायनेमिक प्लैनेट है, चेंजेस आते रहते हैं। अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो हुआ, फ्लड, साइक्लोन, ये सारे इनकी वजह से, सुनामी हुआ, इनकी वजह से अर्थ की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है यार। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज़ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है प्यारे बच्चे, क्रस्ट जो मैंने बताया था, जो ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, वही हमारी क्रस्ट कहलाती है। द परमोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। बिल्कुल सही दे रखा है ये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज कोर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ। आपको पता होना चाहिए कोर किससे बना हुआ है। हमारा कोर जो है वो नीफे से मिलकर बना है।
अंदर मैग्मा सराउंड करता रहता है, और नीफे का मतलब निकल प्लस फेरस, फेरस इज आल्सो नोन एज आयरन इन साइंटिफिकली आयरन इज आल्सो नोन एज फेरस, सो नीफे निकल एंड फेरस इसका आंसर है हमारा। तो बस निकल और आयरन से हमारा कोर बना हुआ है। और यहाँ से एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ बच्चे, टाइप्स ऑफ कोर कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ कोर बच्चे दो होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोर, फर्स्ट वन इज इनर कोर एंड सेकेंड वन इज आउटर कोर। सो ये हमने एक्स्ट्रा नॉलेज लिया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं बच्चे, व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स कितना अच्छा है, मैंने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ाई है, पास्ट रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे जानवर जो मर के दब जाते हैं उनके जो हमें सबूत देखने को मिलते हैं वही हमारे फॉसिल्स कहलाते हैं। इनसे जब हम एक्सट्रैक्शन करते तो इन्हीं से हमारा कोयला, पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल बनता है। तो बस वही चीज़ इसमें दे रखी है कि द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, यानी कि चट्टानों के बीच में दब जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये फॉसिल्स का आंसर हमें पढ़ा है। देखो बच्चे, अगर हमें चैप्टर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आपको पता होना चाहिए, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, और ये इनको अगर हम बोलें तो ये एक तरह के क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, आयरन की ले लेते हैं, आयरन हमारा मिनरल है, तो आयरन हमारा क्या है, हार्ड फॉर्म में होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, उसे पिघलाया जा सकता है, उसे मोल्टन स्टेट में हमें लाना पड़ेगा, उसे मेल्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी फिजिकल फॉर्म है, और केमिकल में हमने चेंज किया है जब वो पिघल गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मिनरल का मैंने एक एग्जांपल भी दे चुका हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे, हाउ आर मिनरल्स यूजफुल टू मैनकाइंड, यानी कि हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए, इंसान के भले के लिए मिनरल्स कैसे ज़रूरतमंद साबित होते हैं? तो आइए ज़रा यूज़ करते हैं और पिन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, इसमें सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ हम फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ईंधन की तरह, जैसे कोल हो गया हमारा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से याद है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पेट्रोलियम, ये सारे हमारे मिनरल्स जो हैं फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इनसे हमारे क्या है, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं, साथ में दवाइयाँ भी बनती हैं, और साथ में हम अपने फूड आइटम्स में भी यूज़ करते हैं मिनरल्स को। सो नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सियाल एंड सीमा। सो आपको पता होना चाहिए, मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा, इसको बाद में हम आंसर देखेंगे। सियाल एंड सीमा से याद आया, सबसे पहले इनका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, ये सियाल किन दो वर्ड से मिलकर बना है? तो स्टूडेंट सियाल का मैंने बताया था सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, ऐसे ही सीमा की हम बात करते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये हमें पता होना चाहिए, सियाल से याद आया हमारी अर्थ क्रस्ट बनी हुई रहती है, तो यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल या फिर मेटल की अगर हम बात करें तो वो हमारा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सियाल हमारी अर्थ क्रस्ट सियाल से मिलकर बनी है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और मेंटल की बात करें वो हमारी सीमा से मिलकर बना है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हमारा मेंटल में ज़्यादा पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है इसमें, और याद रहे हमारा कुछ ओशनिक क्रस्ट वाला जो पार्ट है 8 से 10 किलोमीटर्स वाला, इस वाले पार्ट में भी हमारी सीमा स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब एक फिक्स कंपोजिशन नहीं है इसकी, जैसे हमने बता दें कि मेंटल में ही सीमा होगी,
सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ऐसा नहीं है। वो जैसी हमारी ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाती है तो उसमें भी कुछ हिस्सा हमारा सीमा का पाया जाता है। आइए स्टूडेंट, जब मैंने सब कुछ बता दिया है तो आंसर को भी एक बार देख लेते हैं। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। एल्यूमिना वो साइंटिफिक नेम दे रखा है, बट नॉर्मल भाषा में एल्यूमिनियम बोलते हैं बच्चे। तो बस यही इसका डिफरेंस है। ऐसे ही सीमा की बात करें तो ओशनिक क्रस्ट जो है हमारी सिलिका जो है सिलिका सिलिकन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, साथ में मेंटल भी हम कह सकते हैं। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। अब स्टूडेंट्स हम अपने शॉर्ट नोट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारा एक डायग्राम बचे रहेगा, तो वो डायग्राम आपको बनाना है अपने नोटबुक्स में प्रॉपर तरीके से, वेल लेबल डायग्राम बनाना है। तो आइए शॉर्ट नोट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने शॉर्ट नोट है, और शॉर्ट नोट हमारा आपका फेवरेट क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ द अर्थ का। तो प्यारे बच्चे जो भी मैंने आपको लेयर्स ऑफ द अर्थ में बताया था वो सारी चीज़ अगर आपको आती तो वो सारा अपने आप बना सकते हैं इसमें शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले लेयर की हम बात करते हैं इसको, ये स्टूडेंट्स डायग्राम भी इसमें दे रखा है, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो है क्रस्ट होती है, आपको ये ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रखी है, इसी से हमारा लिथोस्फीयर बना हुआ है विद इन द 100 किलोमीटर्स वाला एरिया। 30 किलोमीटर्स का हमारा क्रस्ट आ जाता है और बचा हुआ मेंटल 70 किलोमीटर्स का आ जाएगा। तो ये हमारा क्रस्ट मिलकर बना हुआ है लिथोस्फीयर। तो पहला क्रस्ट जो है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे ऊंची जो सबसे पहली लेयर जो पड़ती है वो क्रस्ट बोली जाती है। सेकंड इसमें पॉइंट दे रखा है इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर, सबसे पतली परत भी हमारी क्रस्ट है, और ये हमारी 35 किलोमीटर्स की बनी हुई है, जिसमें हमारी 5 किलोमीटर्स का जो है ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है और बची हुई 30 किलोमीटर्स की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है। मैंने आपको बताया था क्रस्ट हमारी दो टाइप की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट हमारी 5 किलोमीटर मतलब एवरेज दे रखा है, 8 to 10 मैंने बताया था, 5 हो गया, तो ये सारे है हमारा। सेकंड लेयर है हमारी मेंटल, मेंटल की 2900 किलोमीटर्स की मोटाई दे रखी है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। और बिलो द क्रस्ट यानी कि क्रस्ट के बाद हमारी मेंटल आती है, क्रस्ट के नीचे मेंटल शुरू हो जाती है। और कोर की अगर हम बात करें द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर, सबसे अंदर की जो पार्ट है, सबसे गर्म गोला जो है हमारी अर्थ का वो कोर ही है। इस गर्म गोले में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इसका रेडियस की अगर हम बात करें 3500 किलोमीटर्स का है रेडियस, इन द सेंस अगर हम बात करते हैं ये किसी भी ये सेंटर पॉइंट हमारे अर्थ का, तो इसका रेडियस इतना, डायमीटर आपको पता है ये होता है, रेडियस इसका जस्ट हाफ होता है। तो ये वाला हिस्सा अगर हम जाते हैं गहराई तक तो ये वाला हिस्सा हमारा 3500 किलोमीटर्स तक का दे रखा है, ये एज्यूम दे रखा है, बट एक्चुअली में जो है वो हमारा 3671 किलोमीटर है, राउंड ऑफ करके दे रखा है, बट एक्चुअल में 3671 किलोमीटर है। ये सारा एज्यूमेशन पे बेस्ड है क्योंकि कोर तक आजकल इंसान कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। तो स्टूडेंट्स ये है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, मैंने बताया था नीफे से मिलकर बनी हुई है कोर। अभी इस क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि कोर किससे मिलकर बना है, नीफे यानी कि निकल प्लस आयरन से मिलकर बना है हमारा कोर। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बिल्कुल सही बात दे रखी है कि बीच वाला कोर जो है हमारा, सेंट्रल कोर कहने का मतलब है इनर कोर, तो इनर कोर हमारा जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, और प्लस प्रेशर भी ज़्यादा वहीं पर ही रहता है, उबाल जो है वहीं पर ज़्यादा आता है मैग्मा का सॉलिड जो है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने एक्स्ट्रा वर्क किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।